हेलो प्यार बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में क्लास टेंथ के साइंस में छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकरण, एक चैप्टर का नाम है जिसमें हमारे पास क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्लास टेंथ साइंस का बोल सकते हैं टर्म टू के चैप्टर में आने वाला चैप्टर सेकंड है, पहले इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड ये चैप्टर है। काफी यूजफुल टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करेंगे काफी अच्छे से। सो बिना टाइम के वेस्ट किए डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक, जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकरण का लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का क्या है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। सो डिस्कस करते हैं ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का लो जो है क्या, ऑब्वियस में कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझेंगे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को किसी भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की या फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया गया था। आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है, फोर फिंगर पॉइंट करनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड मिडल फिंगर फॉर द फोर्स इन द मोशन बोल सकते हैं हमारे पास, और द थंब फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास। ये करंट के लिए और डायरेक्शन के लिए मैं आपको इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छे से बता दूंगा, याद रखना है फादर मदर चाइल्ड। फादर एफ फॉर फादर मतलब फोर्स के लिए इसे यूज किया जाना है, थंब को एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। मतलब इस तरीके से याद रखना है फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अरेंज करेंगे। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, मोशन की, ये मैग्नेटिक फील्ड की और ये करंट की। इन्होंने किस तरीके से डायरेक्शन किया है, ऐसे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के बीच के एंगल के 90 डिग्री है, राइट एंगल पता चल रहा है। इन दोनों के मिड का भी राइट एंगल है, इन दोनों के मिड का भी राइट एंगल है। आप आराम से अपने हाथ को एडजस्ट करके देख सकते हैं, काफी यूजफुल सा लॉ है। ये किस लिए यूज किया गया था, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया गया था। होता है कि आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड द थंब एडजस्ट इन सच ए वे कि फोर फिंगर क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा, मिडिल फिंगर फॉर द करंट एंड द थंब डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हमारे पास इंडिकेट कर सकता है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। अगर मैं एक एग्जांपल की बात कर लूं, किसी भी एक डायरेक्शन को ले फिक्स कर ले, मान लेते जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे पास ईस्ट की डायरेक्शन में शो कर रहा है, जो फोर फिंगर है, ईस्ट हमारे पास जैसे कि आप कहीं पर भी बैठे अपने नॉर्मली डायरेक्शन बना सकते हैं। आपको पता होगा नोटबुक पर डायरेक्शन कैसे बनती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे नोटबुक पर डायरेक्शन बनाते हैं। तो फोर फिंगर मेरी ईस्ट की साइड हो गई, ठीक है। साउथ की तरफ क्या होगा हमारे पास, साउथ की तरफ फोर्स होगा, जो कि हमारे पास फोर्स कौन शो करता है, थंब शो करता है। तो आप ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके, तो ये देखो कैसा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ हमारे पास करंट शो करेगा। मतलब इस तरीके से आप हैंड्स को अरेंज करके कोई भी आने वाले क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर है। वन मार्क्स में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के ऊपर। आपको कैसे करना है, डायरेक्शन बनाना है और अपने हाथ को इस तरीके से इंडिकेट कर अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ध्यान है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये ईस्ट में तो ये साउथ में होगा। अब मेरी फिंगर्स देखो, मैं इस साइड हूं तो सामने ईस्ट है, इधर साउथ है और नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड वाला केस है। तो ये वाली डायरेक्शन मैंने यहां पर बना रखी है, कोई भी आ सकता है वर्टिकली अपवर्ड बोल देगा तो ये साउथ वाला पोर्शन नॉर्थ में पहुंच जाएगा, ये ईस्ट में ही रहेगा, ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। इससे इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफी यूजफुल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको काफी यूजफुल लगा होगा। डायग्राम को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन करना है तो डायग्राम दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। वीडियो चले गए, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अच्छे अच्छे काफी इंटरेस्टिंग से टॉपिक और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।